नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई के सिटी न्यूज। अलीगढ़ हादसे के बाद आगरा पुलिस ने नकली शराब के खिलाफ फिर छेड़ा अभियान। आगरा पुलिस और आबकारी अवैध शराब के खिलाफ संयुक्त अभियान शराब के ठेकों की सघनता से की जा रही है जांच। पुलिस ने देसी और अंग्रेजी शराब के ठेके की चेकिंग। आबकारी और पुलिस ने चलाया संयुक्त अभियान। धनौली स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके पर स्टॉक में पाई कमी। शराब ठेकेदार की खामियां आगरा डीएम को सौंपी जाएंगी। सीओ चनेरा और आबकारी ने चलाया संयुक्त अभियान। थाना मलपुरा के धनौली शराब के ठेके का मामला। वाई के सिटी न्यूज से संवाददाता योगेश कुमार की रिपोर्ट आगरा से। आज सर किस तरीके का अभियान देखने को मिल रहा है शराब के खिलाफ? लगातार देखा जा रहा है कि अलीगढ़ में मौत होने के बाद में आगरा पुलिस सक्रिय हुई है, कहाँ कहाँ आपने इस तरीके की सर्चिंग की है? ये थाना मलपुरा में धनौली चौकी क्षेत्र है, यहाँ पर एक्साइज विभाग के साथ थाना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया है, जिसके तहत देसी ठगी की दुकान और ये जो ब्रांडेड दुकान है उसे चेक किया गया है। इसमें स्टॉक रजिस्टर में कमियां पाई गई हैं और भी कई छोटी मोटी कमियां पाई गई हैं, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से भेजी जा रही है और इन पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, किस तरीके की खामियां आपको मिली है? जैसे कि अगर कोई शराब में कोई कहीं स्टॉक में कोई कमी आई है या फिर ये लोग ब्लैक कर देते हैं पहले से, किस तरीके की? शराब के जो लेवल चेक किया गया तो शराब तो ओरिजिनल पाई गई है जी, लेकिन स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं है, स्टॉक के हिसाब से रजिस्टर मेंटेन नहीं था जी, तो उसकी एक बड़ी खामी पाई गई। और 40 KG में 1260 कवर बना लंद देते हैं। हाँ।